आज मेरे पति नहीं है तो क्या? मुमकिन आपका जब उल्लंघन हुआ, आपका बेइज्जत हुआ, तो हम लोग पूरा आदिवासी महिला का बेइज्जत हुआ। इसने जिस तरह का मेरे ऊपर टिप्पणी किया है, वो नहीं जानते हैं कि वो हम कौन हैं, हम किसकी पत्नी हैं और किस घर से हम बिलोंग्स करते हैं। हमारे ससुर जी जो यहाँ इस जामताड़ा से आंदोलन शुरू किए थे, मेरे पतिदेव ने भी यहाँ से आंदोलन शुरू किए थे और झारखंड अलग राज्य को बने, हमारे लिए इस तरह का टिप्पणी, मतलब हमारे समाज के सभी वर्ग, हमारे महिला वर्ग आहत है। टिप्पणी किए उनको ये भी देखना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व के जो उनकी टीम है, आलाकमान है, सोनिया गांधी जी कहाँ से आते हैं, ये भी बोलना चाहिए था। अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं तो, टारगेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम उनको माफ नहीं करने वाले हैं और हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको खदेड़ करके भगा दिया जाएगा। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या? मुमकिन हम लोग हैं, आपका जब उल्लंघन हुआ, आपका बेइज्जत हुआ, तो हम लोग पूरा आदिवासी महिला का बेइज्जत हुआ। आपका साथ है, आपका साथ है, एकदम रहिए मत, रहिए मत। पहले तो बांस से उसका हड्डी पसली एक कर देते तभी ये चुनाव होता। आज जिस तरह का काम हुआ है ये जामताड़ा जिला में, ये शर्मसार हो गया है एक आदिवासी महिला के ऊपर में बोल के, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरह का बयानबाजी जो कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं माफ करेंगे।